हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर सॉरी टॉपिक नंबर आई थिंक थर्ड स्टार्ट किया था, एनिमल किंगडम। सबसे पहले हमने द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था, फिर प्लांट किंगडम, देन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, आउटलाइन क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद हमने फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस, फाइलम एस्कलहेल्मिन्थीस तक डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन देख ली थी और कुछ एग्जांपल भी देखे थे। अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना फाइलम एनिलिडा। साइलेंट फीचर ऑफ दिस फाइलम और हैज़ फॉलोज। इट इज़ ए लिविंग फ्री टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक फॉर्म एनिमल, फ्रेश वाटर और मराइन। आपको फ्रेश वाटर और मराइन दोनों जगह मिल जाएगा। फ्री लिविंग होता है, मीन्स कि वाटर में कहीं भी आपको घूमता हुआ मिल जाएगा। टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक फॉर्म भी मिलती है। बॉडी इज़ लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मेटामरिक सेगमेंटेशन। मेटामरिक दो टाइप की सेगमेंटेशंस होती हैं, एक मेटामरिक एक सुपरफिशियल। मेटामरिक जिसमें बॉडी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड से सेगमेंट में डिवाइड होती है, और सुपरफिशियल मेटामरिक सेगमेंटेशन के अंदर बॉडी सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है बट इंटरनली डिवाइडेड नहीं होती। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मस्कुलेचर। बॉडी कैविटी इज़ ए ट्रू सिलोम लाइन बाय मेसोडर्म। सिलोम इज़ फिल्ड विद, अब देखो जो बॉडी कैविटी है उसमें ट्रू सिलोम इसलिए क्योंकि जो सिलोम है वो किससे कवर अप है, मेसोडर्म से। सिलोम इज़ फिल्ड विद मिल्की अल्कलाइन फ्लूड कॉल्ड सिलोमिक फ्लूड कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉप्सल्स। दीज कॉप्सल्स आर ऑफ फोर टाइप्स, फेगोसाइटिक, म्यूकोसाइट सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड क्लोरिगोजन सेल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कम्प्लीट, मीन माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट, मीन्स कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर आपको एलिमेंट्री क्रैन में माउथ और एनस दोनों मिले, और जहाँ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, सेकेंड ओपनिंग एबसेंट हो, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन इज आइदर थ्रू स्किन और थ्रू गिल्स। एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नेफ्रीडिया, यहाँ पर जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो नेफ्रीडिया की हेल्प से हो रहा है। क्लोरिगोजन सेल्स आर और येलो सेल्स ऑफ अर्थ वर्म्स आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट लिवर सेल्स। तो इसमें जो येलो सेल्स हैं या क्लोरिगोजन जो सेल्स होती हैं वो किसके इक्विलिब्रियम है, वर्टिब्रेट की लिवर सेल्स के, हेपेटिक सेल्स के। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ए क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर ब्लड वेसल्स आर्टरीज और वेंस में ही फ्लो करता है। हीमोग्लोबिन डिजॉल्व डायरेक्टली इन द प्लाज्मा। नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नर्व रिंग एंड ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद ए सेगमेंटल गेंगलिया। लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीटी और पैरापोडिया इन एक्वेटिक एनिलिड्स, एग्जाम्पल नेरिस। लीच भी कहते हैं, जैसे हेटरोनेरिस होती है उसे लीच कहते हैं आप, जोंक। रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मेथड एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास फाइलम एनिलिडा। हम फाइलम एनिलिडा को आगे फोर क्लासेस में डिवाइड करेंगे, क्लास पॉलीचिएटा, ओलिगोचिएटा, हेडोनिया और रेकी एनिलिडा। तो क्लास पॉलीचिएटा की बात करें, फ्री लिविंग होते हैं, मेराइन होते हैं। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर इसमें पैरापोडिया मिलता है। लाइफ साइकिल यूनिसेक्सुअल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जहाँ पर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, और एग्जांपल इसका नेरिस जिसे हम रेगवॉर्म भी कहते हैं। क्लास ओलिगोचिएटा जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, फॉर्म्स फाउंड इन द मॉइस्ट सॉइल। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में सीटी होती है, उसके हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। बायसेक्सुअल विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज नहीं होती इसलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जांपल है फेरिटीमा, फॉस्टियोमा इंडियना अर्थवर्म और मेगास्कोल अर्थवर्म ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्लास है हेटरोनिया, इसके में जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती है, टेम्परेरी एक्टोपैरासाइट। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में एबसेंट है, बायसेक्सुअल विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, और एग्जांपल है हेडोनेरिया और लीच। क्लास
एरेकिनिलिडा मेराइन फॉर्म्स होती हैं, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स में भी एबसेंट है, बायसेक्सुअल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और पॉलीगोडियस है इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम अर्थफॉर्म को देख लेते हैं। अर्थफॉर्म फेरेटिमा फॉस्टिमा इज ब्राउन और क्ले कलर्ड बिकॉज ऑफ द पिगमेंट पॉर्फिरिन। तो याद रखना फेरेटिमा फॉस्टिमा का जो कलर होता है वो उसमें प्रेजेंट पिगमेंट पॉर्फिरिन की वजह से होता है। थ्री रीजन्स इन दी बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म आर प्री क्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेलर रीजन और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। इन तीनों जगहों से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्री क्लाइटेलर रीजन कहाँ से होता है? 1 से लेकर 13 सेगमेंट तक। और क्लाइटेलर रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है? 14, 15 और 16। और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन 17 लास्ट। मतलब कि प्री क्लाइटर मतलब क्लाइटर से पहले वाला जो रीजन वो 1 से लेकर 13 तक होता है। ग्लाइटल रीजन कौन सा होता है? 14, 15 और 16। और पोस्ट ग्लाइटल रीजन 14, 15, 16 से आगे वाला हिस्सा 17 से लेके लास्ट तक। सीटी हेल्प इन दी लोकोमोशन। बॉडी कैविटी इज ट्रू सीलोम, साइजोसील होती है। साइजोसील का मतलब क्या है? जहाँ पर 4D सेल से सीलोम की फॉर्मेशन होती है। कंटेनिंग मिल्की वाइट एल्कलाइन सिलोमिक फ्लूड ड्यूरिंग द ब्रोइंग, द सिलोमिक फ्लूड बिकम्स टर्जिड एंड एक्ट एज ए हाइड्रोलिक स्केल्टन। क्लोरिगोगन सेल आर स्मॉल येलो सेल्स कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया एंड ऑल्सो एक्सक्रीटरी एनालोगस टू द लिवर इन फंक्शन। टिफ्लोसोल 26 to 35 सेगमेंट इज ए हाईली ग्लैंडुलर वेस्कुलर लैंगुटिनल रिज इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थवर्म इज क्लोज टाइप, ब्लड इज रेड इन कलर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। अर्थवर्म रेस्पायर बट हैज़ नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज टेक प्लेस थ्रू द मॉइस्ट स्किन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर सेगमेंटल नेफ्रिडिया एनालॉगस टू वर्टिब्री किडनी। पोर इन द बॉडी वॉल कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन आर 11। दे आर स्पर्मेथिकल पोर प्रेजेंट इन द इंटर सेगमेंटल ग्रूव। ये कई बार पूछा गया है, जो स्पर्मेथिकल पोर होते हैं वो इंटर सेगमेंटल ग्रूव में होते हैं 5 to 6, 6 to 7 or 7 to 8 एंड 8 to 9, 4 पेयर्स में होते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? इंटर सेगमेंटल 5 और इन बिटवीन 5 to 6 सेगमेंट, इन बिटवीन 6 to 7, इन बिटवीन 7 to 8 और इन बिटवीन 8 to 9 सेगमेंट, 4 पेयर्स में होते हैं। फीमेल जेनिटल पोर इज मिड वेंट्रल ऑन द 14th सेगमेंट, ये 14th सेगमेंट में मिलेगा आपको। मेल जेनिटल पोर आर वेंट्रोलेटरल, 1 पेयर ऑन 18th सेगमेंट। मेल जेनिटल पेपिली आर प्रेजेंट इन दी सेगमेंट 17 to 19, 2 पेयर्स। स्पर्मेथिकी आर यूज टू स्टोर द स्पर्म आफ्टर कॉपुलेशन। कोकून आर फॉर्म्ड इन ग्लैंडुलर क्लाइटेलम, क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। होलोब्लास्टिक का मतलब जहाँ पर कंप्लीट, मतलब जहाँ पर योग की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो इसलिए जो बाद में जो सेल्स बनती हैं वो मतलब डिवीज़न पूरी तरीके से स्प्रेड होता है पूरे जागोट के ऊपर एंड एन इक्वल। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल स्टेज। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं हिरुडिन एरिया। इट इज़ अ फ्रेश वाटर एंड एक्टोपैरासिटिक एनेलिड। बॉडी इज इलांगेटेड एंड डिवाइडेड इनटू 33 मेटामेर बाय एनुली। इट इज़ ए सेंग्विवोरस एंड फीड अपॉन द ब्लड ऑफ कैटल। ब्लड इज स्टोर्ड इन 10 चैम्बर्ड क्रॉप एंड ब्लड क्लॉटिंग इज प्रिवेंटेड बाय मिक्सिंग एन एंटीकोगुलेंट कॉल्ड हिरुडिन। इट शो कुटेनियस रेस्पिरेशन। मेल एंड फीमेल गोनोपोर लाई ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ 10th एंड 11th सेगमेंट रिस्पेक्टिवली। तो जो फीमेल गोनोपोर है वो कहाँ मिलेगा आपको? 10th और 11th सेगमेंट के बीचों बीच। इट इज़ ए हर्माफ्रोडाइट बट शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन ड्यू टू दी प्रोटेंड्रस कंडीशन। प्रोटेंड्रस कंडीशन क्या है? जब एक होती है प्रोटेंड्रस, एक होती है प्रोटोगाइनी कंडीशन। प्रोटेंड्रस में क्या होता है? फीमेल पार्ट पहले डेवलप होता है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। नेक्स्ट है फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट हमारा फाइलम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम आर एज फॉलोज। दिस फाइलम इज द लार्जेस्ट इन द एनिमल किंगडम कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन 75% ऑफ द एनिमल स्पीशीज। दीज आर फ्री लिविंग एक्वेटिक फ्रेश वाटर और मेराइन और टेरेस्ट्रियल एंड सम आर पैरासिटिक फॉर्म ऑल्सो। बॉडी इज इलोंगेटेड एंड सेगमेंटेड, यूजली डिस्टिंग्विश इन टू रीजन लाइक हेड, थॉरेक्स एंड एबडोमन। बॉडी इज एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ हार्ड इम्परमीएबल सब्सटेंस कॉल्ड काइटिन।
डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कम्प्लीट विद माउथ एंड एनस. सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफन टाइप ओपन टाइप. ब्लड फ्लो फ्रीली इन द बॉडी कैविटी हीमोसील. रेस्पिरेशन थ्रू गिल और ट्रैकिया और बुक लंग्स. एक्सक्रीशन थ्रू कॉक्सल ग्लैंड और मेलफिगिन ट्यूब्यूल्स. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नर्व रिंग एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेगमेंटली अरेंज्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस. सिलिया टोटली एब्सेंट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. सेक्सेस आर सेपरेट. डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. लुमिनिसेंट इंसेक्ट फोटोनियस लैम्प्रे एंड सम अदर जेनरा बेयर लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ऑन एब्डोमन. एग्जाम्पल मॉस्किटो कॉकरोच एफिस हनीबी एपिस एरिनिया स्पाइडर पेलमोन प्रॉन और स्कोलोपेंड्रा सेंटीपीड. नाउ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. क्लास डिप्लोपोडा काइलोपोडा क्रस्टेशिया एरेकिनिडा इंसेक्टा और ओंकोफोरा. तो डिप्लोपोडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया है. वॉकिंग लेग मैनी टू पेयर इन ईच सेगमेंट. और कॉमन एग्जाम्पल है मिलीपीड. काइलोपोडा के अंदर ट्रैकिया भी, इसके अंदर भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया है. मैनी और वर्न पेयर इन ईच सेगमेंट. सेंटीपीड इस एग्जाम्पल है. क्रस्टेशिया के अंदर एक्वाटिक होता है ये. गिल्स इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, फाइव पेयर्स होते हैं. और इसका एग्जाम्पल है क्रैब प्रॉन और लोबस्टर. एरेकिनिडा के अंदर टेरेस्टल होता है ये. बुक लंग्स होते हैं. फोर पेयर्स मिलेंगे लेग्स के. वॉकिंग लेग के स्कॉर्पियोन और स्पाइडर. इंसेक्ट के अंदर टेरेस्टल होते हैं ये. ट्रैकिया होती है. थ्री पेयर्स मिलते हैं. वॉकिंग लेग कॉकरोच एंड बटरफ्लाई. इंसेक्टा की पहचान होती है जिसके अंदर थ्री पेयर ऑफ लेग्स मिले वो इंसेक्टा कैटेगरी में आते हैं. कॉकरोच और बटरफ्लाई. ओंकियोफोरा टेरेस्टल होते हैं, ये भी ट्रैकियल है. मैनी अनजॉइंटेड और पेरीपेटस. कॉमन इंसेक्ट ऑर्डर विद इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स थाइसेनूरा ऑर्थोप्टेरा डिक्ट्यूप्टेरा प्लाज्मिडा आइसोप्टेरा ओडोंटोनेटा ओनोप्लूरा एम्फीमिरिडा हेमीप्टेरा और होमोप्टेरा. तो ये आपने ऑर्डर देख लेने हैं. उनके कुछ एग्जांपल हैं, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है. जैसे ऑर्डर हाइसोनूरा का है लेपिस्मा. इसे सिल्वर फिश या विंगलेस इंसेक्ट भी कहते हैं जो आपकी बुक्स के अंदर होती है. लेपिस्मा इसका है हाइसोनूरा. और ऑर्थोप्टेरा का है सिस्टोसिरका लोकस्ट और पोइसलोसरस ग्रॉसहॉपर ग्राइलस हॉर्स क्रिकेट. फिर डिक्ट्यूप्टेरा पेरीप्लेनेटा कॉकरोच और मेंटिस स्प्रिंग मेंटिस. और मेंटिस को पहाड़ी में डल्क भी बोलते हैं. फाजमिडा फाइलियम लीफ इंसेक्ट. कैरासियस स्टिक इंसेक्ट होता है. आइसोप्टेरा ऑर्डर में एग्जांपल है माइक्रो टर्मिस टर्माइट वाइट आंट्स. ओडोनेटा का एग्जांपल है सिमपेट्रम ड्रैगनफ्लाई. ओनोप्लूरा का है पेडिकुलस ह्यूमन लूज. जू होती है ये पेडिकुलस. और एफीमीरिडा एफीमेरिया मे फ्लाई. हेमिप्टेरा का एग्जांपल है काइमैक्स बेड बग जो पिस्सू होते हैं. और डिस्ट्रस्कस रेड कॉटन रग. होमोप्टेरा एफिस एफिड और प्लांट लूज. लेकीफर और ट्रैकिडिया लेका और इंसेक्ट. सिलोप्टेरा कॉकिनेला लेडी बर्ड बीटल और साइटोफिलस राइस वीवल. लेपिडोप्टेरा बॉम्बेक्स सिल्क मोथ और पेलीस कैबेज और बटरफ्लाई. डिप्थीरिया मस्कस हाउसफ्लाई एनाफिलीज क्यूलेक्स. ऑल थ्री मॉस्किटोस. और ग्लोसियाना टिस्टिस फ्लाई. फिर है साइफनोप्टेरा एक्जीनोसाइला च्यूपिस रेड फ्ली और हाइमनोप्टेरा एपिस हनीबी वेस्पा वेस्प और कैम्पोन्टस कॉमन ब्लैक हाउस आंट. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हाउसफ्लाई का. कॉमन हाउसफ्लाई मस्का डोमेस्टिका इज ए जेनरा ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा. ये डिप्टेरा ऑर्डर की मेंबर है. इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड थोरेक्स एंड एब्डोमन. द हेड
bear two antenna. A pair of compound eyes consist of a ometidae and three ocelli, light sensitive spot. Mouth part are sponging type, adapted to suck liquid. They consist of a long fleshy proboscis formed by labium. Mandible are absent. The abdomen is 8 segments. In male and 9 segment in female. Last 4 segments form a genital pouch and other accessories. Reproductive structures. Mesothorax possess a pair of haltere which perceive sound and act as a balancing organ during the flight. तो ये हाल्टर का वर्किंग कई बार फंक्शन पूछा जाता है कि हाल्टर्स का क्या फंक्शन है. परसीव साउंड परसीव साउंड एंड एक्ट हैज ए बैलेंसिंग ऑर्गन ड्यूरिंग द फ्लाइट. सेक्सेस आर सेपरेट. फीमेल आर बिगर देन मेल अंडर द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड लार्वा माउल ट्वाइस थस इंडिकेटिंग द थ्री स्टेजेस ऑफ इंस्टार्स. नेक्स्ट हम अपना करते हैं फाइलम मोलस्का. जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फाइलम आर एज फॉलोज. इट इज अ वेरी फ्री लिविंग एक्वाटिक फॉर्म्स फ्रेश वाटर और मराइन एंड सम आर एम्फीबियस. बॉडी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड. बॉडी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू थ्री रीजन्स. हेड विसरल हम्प एंड फुट. विसरल हम्प इज कवर्ड बाय द थिन फ्लैशी मेंटल विच सेग्रीट्स ए कैल्क्यूरियस शेल एक्सटर्नल और इंटरनल. Coelom is reduced to a cavity around the heart. The study of the mollusk is called molecology. Digestive system is a complete. Respiratory organ are in the form of gills called tenidia. Locomotory structure is represented by muscular foot. Reproduction is sexual. Organism are either unisexual or bisexual. Development is direct. Example: Pila, snail, sepia, unio, freshwater mussels, octopus and chitin. Pila. It is also known as an apple snail. It is amphibious mollusk found in pond, rice field, etc. It shows creeping locomotion, herbivorous in nutrition, estivates during the summer, respire with gill and water, and with pulmonary sac on land. Body is covered by a univalvar, unilocular, and spirally coiled shell, which has vertical line of growth. Lowermost hole, called body whorl, is largest and is opened by a lunate-shaped mouth, which can be closed by an operculum during defense. Sexual dimorphism: male or large-sized penis. Fertilization is internal. Female is oviparous and development is direct. Next example, देखते हैं sepia. It is also called as cuttlefish. It is a marine mollusk, a good swimmer and carnivorous in nutrition. Feed on fishes, crustaceans, etc. It is defined by protective coloration, a smoke screen of sepia. Ink and backward darting with its siphon. Body is divided into two parts, that is head and trunk. Head has one pair of eye, 8 sucker bearing arm and 2 long tentacles surrounding the mouth. Trunk bear one pair of lateral fins for swimming on the ventral side. On junction of head and trunk, it had a funnel or siphon for backward darting. The abdomen is 8 segmented in male and 9 segmented in female. Last 4 segments form genital pouch and other accessory reproductive structures. Mesothorax possess a pair of haltere Sexes show sexual dimorphism, means male with hectocotylized arm. Fertilization is internal, development is direct. तो sexual dimorphism मिलता है इसमें कि male with a hectocotylized arm. Next हम phylum की बात करते हैं. Phylum Echinodermata. Silent feature of Echinodermata. These are free living exclusively marine forms. Adult are readily symmetrical, while larvae are bilateral symmetrical. Body is represented by central disc covered by ossicle with spine called pedicellaria. Disc may be bare extension called arms. Digestive system is complete. Unique
और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, ट्यूब फीट आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन रेस्पिरेशन, दीज आर एक्सटेंडेड एंड रिट्रैक्टेड बाई वेरिएशन इन हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन दैम एंड कंट्रक्शन ऑफ द मसल्स. नर्वस सिस्टम हैज़ ए सेंट्रल नर्व रिंग विद फाइव रेडिएटिंग नर्व्स. रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल सक्सेस आर सेपरेटेड एंड डेवलपमेंट इन डायरेक्ट. इट शोज वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासेज ऑफ फाइलम के एकोनोडर्मेटा. क्लासेज कौन कौन सी हैं एकोनोडर्मेटा की? एस्ट्रियोइडिया, ओफियोइडिया, एकाइनोइडिया, होलोथ्रोइडिया और क्रिनोइडिया. तो एस्ट्रियोइडिया के अंदर क्या है? नेचर ऑफ द डिस्क कैसी? कंप्रेस्ड अलॉन्ग विद द ओरो एबोरल एक्सिस. आर्म कैसी है? फाइव कंटिन्यूस विद द डिस्क. एग्जाम्पल एस्टीएस और स्टारफिश जिसे हम कहते हैं. और ओपियोइडिया में कंप्रेस्ड अलॉन्ग विद द ओरो एबोरल एक्सिस. आर्म कितनी है? फाइव लॉन्ग एंड सिलेंडर जॉइंट आर्म्स. और एग्जाम्पल कैसे इसके? ओफियोथ्रिक्स. इक्नोडिया के अंदर ग्लोबल और फ्लैट होते हैं. नेचर ऑफ आर्म एबसेंट है. एकाइनस सी अर्चिन. होलोथ्रोइडिया इलॉन्गेटेड एंड सिलेंड्रिकल होते हैं. मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल्स होलोथोरिया और सी कुकम्बर. और क्राइनोइडिया में रिड्यूस्ड एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. टेन लॉन्ग एंड ब्रांच्ड एंटीडॉन सी लिली. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एस्ट्रियाज और स्टारफिश. माउथ इज प्रेजेंट ऑन द ओरल सरफेस. फाइव नैरो एम्बुलेक्रल ग्रूव आर ऑल्सो फाउंड. ब्राइट रेड आई लाई एट द टर्मिनल एंड ऑफ ईच एम्बुलेक्रल ग्रूव. द एबोरल सरफेस, इसमें दो ही साइड्स मिलेंगे आपको, ओरल और बोरल. जैसे हमारी साइड मिलती है वेंट्रल और डॉर्सल. सामने वाला जो हमारा फेस होता है वो वेंट्रल साइड, और बैक साइड जो हमारी होती है वो डॉर्सल साइड. वैसे इसमें सिर्फ दो चीज़ें, दो साइड मिलती है, ओरल और एबोरल. एबोरल वो साइड है, ओरल वो होगी जहाँ पर माउथ प्रेजेंट होगा, और ये हमेशा लैंड की तरफ होता है. और एबोरल साइड अपर साइड होती है, जो जिसकी साइड एक्सिटी पोर लगा होता है. द एबोरल सरफेस बियर मैनी स्टाउट स्पाइन विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरली. सॉफ्ट डर्मल ब्रांचेज आर प्रेजेंट बिटवीन द स्पाइन ब्रांकाई. दे एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. इन बिटवीन टू आर्म्स नियर द एनस अ परफोरेटेड सर्कुलर प्लेट इज प्रेजेंट कॉल्ड द मेटिपोराइट. मेटिपोराइट प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं. देर आर अ माइक्रोस्कोपिक पिंचर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ए पेडिसलेरिया. इट ऑल्सो एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ ऑफेंस. पेडिसलेरी ऑल्सो रिमूव द फॉरन सब्सटेंस एंड कीप द बॉडी सर्फेस क्लीन. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. तो कई बार पेडिसलेरिया का फंक्शन पूछ लेते हैं कि पेडिसलेरिया क्या है. माइक्रोस्कोपिक पिंचर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ए पेडिसलेरिया. और ये क्या है? ऑर्गन ऑफ ऑफेंस का काम करता है. क्या कर रहा है? रिमूव फॉरन सब्सटेंस एंड कीप द बॉडी सर्फेस क्लीन. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विच इन्वॉल्व द बाइपिनेरिया लार्वा. तो स्टारफिश का लार्वे का नाम क्या होता है? बाइपिनेरिया लार्वा. नेक्स्ट अकाइनस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सी अर्चिन. इट इज फाउंड इन द रॉकी सी बॉटम. इट इज ओमनिवोरस एंड यूज टीथ और फीडिंग. द माउथ इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ओरल सर्फेस. इट मूव विद द हेल्प ऑफ स्पाइन विच पोजेसेस पेडिसलेरिया. द सी अर्चिन हैज ए मेस्टिकेटरी एपरेटस कॉल्ड Aristotle lantern, lantern, which is found by the five strong and sharp teeth. It project slightly through the mouth. The anus is small aperture. तो अकाइनस के अंदर ये मिलता है हमारे पास. अकाइनस का कुकम्बर, जैसे सी कुकम्बर भी इसका कॉमन नेम होता है. तो सी अर्चिन इज ए मेस्टिकेटरी अपरेटस होता है इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर. मेस्टिकेटरी अपरेटस का मीन जो चीज़ों को क्रश करने वाली कोई अपरेटस हो, और जिसका Aristotle lantern के नाम से फेमस है वो. आपने डायसेक्शन भी किया होगा ड्यूरिंग एमएससी के टाइम. विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फाइव स्ट्रॉन्ग शार्प टीथ. इट प्रोटेक्ट द स्लाइटली थ्रू द माउथ. द एनस इज स्मॉल अपर्चर. नोट, ऑरिकुलेरिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया आपका कि ऑरिकुलेरिया को क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच. नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा. इट कंसिस्ट ऑफ ए मेराइन ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल having worm-like appearance, acorn worms. तो they are bilateral symmetrical and triploblastic animals, exclusively marine and have a two-body cilium. The digestive tract is complete and buccal diverticulum is present in the proboscis. Body is divided into three regions, proboscis, collar and trunk. ये पूछा गया कि three regions में divide कर सकते हैं, proboscis, collar and trunk. The proboscis has a glomerulus which is the excretory organ. Circulatory system is closed type. Respiration occur through gill. Exhibit sexual reproduction. Fertilization is external. Development is mostly indirect through free swimming
टॉर्नेरिया लार्वा। तो हेमिकॉर्डेटा का लार्वे का नाम क्या है? टॉर्नेरिया लार्वा। नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेटा। साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फाइलम इज करेक्टराइज बाई थ्री यूनिक फीचर्स एट लास्ट ड्यूरिंग दी अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। दीज इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ द रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नोटोकॉर्ड लाइन। तीन चीज़ें मिलती हैं हमें कॉर्डेटा के अंदर, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लेट्स। जहाँ भी मिले कॉर्डेटा होता है वो। नॉनकेटा लाइंग अबब नॉन नोटोकॉर्डेट लाइंग अबब द डाइजेस्टिव ट्रैक अ ट्यूबुलर डॉर्सल नर्व कॉर्ड लाइंग अबब द नोटोकॉर्ड एंड अ पेयर। यहाँ पर हमें क्या मिली? एक ट्यूबुलर हॉलो खोखली एक नर्व कॉर्ड मिलती है। कहाँ मिलती है? नोटोकॉर्ड से थोड़ा सा ऊपर। एंड अ पेयर ऑफ गिल स्लेट्स इन दी फ्रेंजल रीजन। ओनली द नर्व कॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द नोटोकॉर्ड इज यूजली रिप्लेस बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट एंड द गिल स्लेट्स डिसअपीयर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओनली इन एम्फियोकस ऑल थ्री कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। द फाइलम इज डिवाइडेड इंटू थ्री सब फाइला नेमली यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। तो फर्स्ट देखते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। इट इंक्लूड मेराइन एनिमल्स। नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन दी टेल। यहाँ पर जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, यहाँ पर आपको नोटोकॉर्ड कहाँ मिल रही है? टेल रीजन में, और वो भी किसके? लार्वा स्टेज में। हॉलो नर्व कॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लार्वा। बॉडी इज कवर्ड बाय द ट्यूनिक। एडल्ट इज सेसाइल फिल्टर फीडर, स्ट्रक्चरली नथिंग लाइक अ कॉर्डेट। गिल स्लेट्स इन द एडल्ट मल्टीप्लाइड टू फॉर्म ए लार्ज फिल्टर फीडिंग फेरिंग्स। लार्वा इज एसिडियन टेडपोल विच पोजेस फीचर्स लाइक नोटोकॉर्ड, फ्रेंजल गिल स्लेट्स, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, सेगमेंटल मायोटोम्स, पोस्ट एनल टेल, एग्जाम्पल हार्डमानिया, डोलिलियम, पायरोसोमा और इोना। सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। इट इज हेडलेस टीनी फिश लाइक कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड विदाउट डिस्टिंक्ट ब्रेन, गिल स्लेट एंड पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। फिश लाइक एनिमल्स शोइंग दी रिकॉग्नाइजेबल कॉर्डेट फीचर्स। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बॉडी इन लार्वा एंड अडल्ट स्टेज। लार्ज फेरिंग्स विद क्लेफ्ट फॉर्म फीडिंग मैकेनिज्म, सिलिटरी गिल बार्स, फ्रेंजियल गिल स्लेट्स ओपन इन टू आर्ट्रियम, सेगमेंटल मायोटोम्स एग्जाम्पल एम्फियोकस लेंसियोलेटस, ब्रेंक्यूस्टोमा जिसे कहते हैं कॉमन है। नोट हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा टुगेदर नोन एज ए प्रोटोकॉर्डेट्स। हेमी, यूरो एंड सेफेलोको एक साथ हम क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट सम फाइलम वर्टिब्रेटा। इट इंक्लूड द मेजॉरिटी ऑफ कॉर्डेट्स। हेड इज प्रोमिनेंट, नर्व सिस्टम एंड एक्सोस्केलेटन आर हाईली डेवलप्ड। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय जॉइंटेड वर्टिब्रल कॉलम एंड टू पेयर ऑफ एपेंडिजेस लिम्स आर प्रेजेंट। मेमल एग्जिबिट द फॉलोइंग यूनिक फीचर्स। प्रेजेंस ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स टू नरिश द यंग वंस। प्रेजेंस ऑफ द मस्कुलर डायफ्राम दैट सेपरेट द थॉरक्स फ्रॉम एबडोमन। प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड पिन्ना। प्रेजेंस ऑफ द सेवन वर्टिब्रिया इन द नेक रीजन। फाइलम कॉर्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड टू टू सेक्शंस, एग्नेथा एंड ग्रेथोस्टोमेटा। एग्नेथा मीन्स इट इंक्लूड जॉलेस वर्टिब्रेट्स। नोटोकॉर्ड प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ, डू नॉट हैव पेयर्ड अपेंडेजेस। कोल्ड ब्लडेड सिंगल नॉस्टेल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं? जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। उनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के इक्वल होता है। जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो इनकी बॉडी का होता है। सिंगल नॉस्टल एंड इंटरनल एयर हैज़ वन और टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इट हैज़ टू क्लासेस, क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी, दे आर एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट विच अपियर्ड इन दी ऑर्डोविकियन पीरियड। दे हैड वेल डेवलप्ड डर्मल स्केल एंड हैंस आल्सो कॉल्ड एज ए आर्म्ड फिशेज, टेरोप्सिस और सिफेलेप्सिस एक्सेट्रा। क्लास ये इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, टफ है नो डाउट, लेकिन याद करना ज़रूरी है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, दे आर सर्कुलर माउथ फिशेज एंड जॉलस। दे आर 1 to 16 पेयर ऑफ द गिल स्लेट्स, फाइन आर अनपेयर्ड, हेड एंड ब्रेन आर पुअरली डेवलप्ड। क्रेन लव्स आर 8 to 10 पेयर्स, लिटल लाइन सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, स्टमक इज एब्सेंट, रेस्पिरेशन थ्रू आउट गिल्स एंड किडनीज आर मेसोनेफ्रिक। फर्टिलेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू द एमोसिट लार्वा, एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे एंड मिक्सिया हैगफिश। तो आपके पास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो हमारी क्लास साइक्लोस्टोमेटा था उसका क्या निकला हमारे पास लार्वे का नाम? एमोसीड लार्वा। नेक्स्ट बात करते हैं गेनाथोस्टोमेटा। इंक्लूड जॉड वर्टिब्रेट, जिनके अंदर हमें जबड़े यानी जॉज मिले। इन विच द एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। फिन्स एंड नॉस्टल्स आर पेयर्ड एंड इंटरनल एयर हैज़ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। तो वहाँ फिन, नॉस्टल और जो थे वो सिंगल थे,
इंटरनल ईयर के अंदर हमें वहाँ पे टू मिल रही थी, यहाँ पे थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। ये डिवाइडेड टू टू सुपर क्लासेस, सुपर क्लासेस स्पाइसिस एंड देन उसके बाद सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो पाइसिस को देख लेते हैं, इट इंक्लूड टू फिशेज एंड फिंस, हार्ट इज टू चैम्बर्ड एंड हैव एओर्टिक आर्क ऑन बोथ साइड्स। इट इज़ डिवाइडेड इन टू थ्री क्लासेज, क्लास प्लेकोडर्मी, क्लास कॉन्ट्रोथिस और क्लास ऑस्टियोसिस। क्लास प्लेकोडर्मी इंक्लूड द फिशेज हैविंग एन एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव आर्म ऑफ द बोनी प्लेट्स, ऑल स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट क्लेमा। इसके अंदर वो स्पीशीज आएंगे जो आज के टाइम में नहीं है, एक्सटिंक्ट है। क्लाइमेटियस और क्लास कॉन्ट्रोथिस इंक्लूड मराइन कार्टिलेजनस फिशेज, स्किन विद माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, गिल स्लिट्स नॉट कवर्ड बाय द ऑपरकुलम एक्सेप्ट इन काइमेरा, या चीमेरा भी कह सकते हो या काइमेरा। लंग और एयर ब्लैडर इज एबसेंट, मेल पजेस क्लैप्स आर दैट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन मेल करता है। फर्टिलेशन इज इंटरनल ओवीपेरस और ओवोवीपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल है प्रिस्टिस टॉर्पीडो और स्कॉलिडोन। क्लास ऑस्टाइसिस इट इंक्लूड द मेराइन और फ्रेश वाटर फिशेज विद स्टीमलाइन बॉडी। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, हैज ए वर्टिब्रल कॉलम, स्किन इज कवर्ड बाय द साइक्लॉइड टीनोइड और गोनोइड स्केल्स। ये टाइप होते हैं स्केल्स के, थ्री टाइप के स्केल्स मिलते हैं, और जो ये साइक्लॉइड टीनोइड और गैनोइड स्केल्स। गिल्स आर कवर्ड बाय द ऑपोकुलम, क्लैप्सर आर एबसेंट इन द मेल क्लैप्सपर। फर्टिलेशन इज एक्सटर्नल ओवीपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल है लेबीरोइता, एनाबास और मिस्टिस। नेक्स्ट सुपर क्लास टेट्रापोडा, इट इंक्लूड द लैंड एनिमल विद टू पेयर ऑफ द पेंटाडेक्टाइल लिम, जी मतलब हाथ और पैरों में पांच उंगलियों का मिलना, ये कंडीशन क्या कहलाती है, पेंटाडेक्टाइल लिम्स, कॉन्फाइंड स्किन एंड लंग्स, कॉर्निफाइड स्किन एंड लंग्स। इट इंक्लूड फोर क्लासेज एज फॉलोज, क्लास एम्फीबिया, दे कैन लिव ऑन बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, द स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल बट पजेस म्यूकस ग्लैंड, द आई हैव आईलिड एंड टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं। रेस्पिरेशन अकर थ्रू गिल इन वाटर एंड लंग्स और लैंड, सक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू आउट द टैडपोल लार्वा। एग्जाम्पल टोड, फ्रॉग, सेलमेंडर एक्सेट्रा। क्लास रेप्टिलिया, दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल दैट एग्जिबिट क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। एपिडर्मिस स्केल्स आर स्क्यूट, स्नेक एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल आर स्किन कास्ट। एक्सटर्नल एयर ओपनिंग इज एबसेंट, ईयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पेनम, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड। तो ये याद रखें कि रिप्टाइल के अंदर थ्री हार्ट चैम्बर होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेप्ट इन द क्रोकोडाइल फोर चैम्बर होते हैं, दे आर पोक्लियोथर्म्स। पोक्लियोथर्म्स कौन होते हैं, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट उनका बॉडी टेम्परेचर सेम होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल ओवीपेरस, एग्स आर टफ कवरिंग एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। चिलोना, काइलोना, टर्टल, टॉर्टोइस, कैमलियन, क्रोकोडाइल और स्नेक्स। क्लास ईव, सारे बर्ड्स में इंक्लूड होते हैं, दे पजेस फीदर्स फॉर फ्लाइंग एंड फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो उनके फोर लिम आगे वाले जो लिम्स होते हैं वो विंग में मॉडिफाइड हो जाते हैं। द हाइंड लिम आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग एक्सेट्रा एंड हैव ए स्केल। स्किन डज नॉट पजेस ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड विच आर फाउंड एट द बेस ऑफ द टेल। एंडोस्केलेटन इज ऑसिफाइड, बोनी एंड लॉन्ग बोन्स आर न्यूमेटिक दैट इज पजेस एयर कैविटीज। The digestive tract is complete and has additional chamber, crop and gizzard. Heart is four chambered and they are warm-blooded or homeotherms. That is, they can maintain the constant body temperature. Respiration through lungs which are connected to air sacs. Sexes are separate, fertilization is internal and development is direct. Example, crow, pigeon and ostrich. तो ये हमने देख लिया ईव के बारे में। नेक्स्ट लास्ट क्लास देखते हैं, मेमेलिया, फोर्थ क्लास हमारी। दे आर टेरेस्ट्रियल एक्सेप्ट ब्लू व्हेल एंड डॉल्फिन एनिमल। Their skin is covered by hair. They possess milk-producing mammary glands. They are viviparous except platypus and actinia, which is oviparous, and produce live young ones. They are warm-blooded. Heart is four-chambered and respiration occurs by lungs. External ear or pinnae are present. Different type of the teeth are present in the jaws. Sexes are separate. Fertilization is internal and development is direct. Comparison between the invertebrate or vertebrata. सिमेट्री के बेसिस पर बात करें तो इनवर्टिब्रेट के अंदर रेडियल, बायरेडियल और ब्लैकिंग होती नहीं है, या फिर और वर्टिब्रेट के अंदर सिर्फ बायलेटल होती है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो यहाँ प्रोटोप्लाज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम होता है। जर्म लेयर की बात करें तो इनवर्टिब्रेट के अंदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक
या फिर दोनों में से कोई नहीं, यहाँ ट्रिपल कंडीशन होगी। सिलोम की बात करें तो इनवर्टिब्रेट ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट और ट्रू, यहाँ सिर्फ ट्रू सिलोमेट होंगे वर्टिब्रेट के अंदर। नॉटोपोड की बात करें तो इनवर्टिब्रेट में होती नहीं है और वर्टिब्रेट प्रेजेंट और रिप्लेस बाय द बैकबोन मेड अप ऑफ वर्टिब्रिया। गट की पोजीशन की बात करें तो डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड, ये वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, फ्रेंजल गिलिसरेड यहाँ एबसेंट होते हैं और दे प्रेजेंट एट द सेम स्टेज ऑफ लाइफ। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें ओपन होता है, क्लोज हो सकता है, कोई भी ना हो यहाँ क्लोज एंड मच अनडेवलप्ड। हार्ट डॉर्सल लेटरल और एबसेंट, ओनली वेंट्रल प्लेस्ड इन कंडीशन ऑफ वर्टिब्रेट। डॉर्सल ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो इंटीरियरली, ब्लड फ्लो पोस्टीरियरली, इसमें पोस्टीरियरली की तरफ पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाता है इसमें इंटीरियर बैग। हेपेटोपोटल सिस्टम यहाँ एबसेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होगा। हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा और एबसेंट इन रेड ब्लड कॉप्सल्स, मतलब यहाँ वर्टिब्रेट के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ मिलेगा, रेड ब्लड सेल के अंदर, और यहाँ डायरेक्ट प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। रेस्पिरेशन की बात करें थ्रू बॉडी सर्फेस, गिल और ट्रेकिया, थ्रू गिल और लंग्स। नर्वस सिस्टम की बात करें तो सॉलिड या हॉलो। ब्रेन की बात करें अबव फेरिंग्स और एबसेंट, डॉर्सल टू फेरिंग्स इन हेड। नर्व कॉर्ड डबल एंड वेंट्रल या सिंगल एंड डॉर्सल। बॉडी टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड होता है, ये कोल्ड और वार्म ब्लडेड दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज अपनी एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन कंप्लीट की। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और मैंने कोशिश की है कि वीडियो के अंदर जो हमारी क्लैरिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ रहे। तो थैंक यू सो मच।